हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये क्वेश्चन भी थर्मोडायनेमिक्स है, पिछला क्वेश्चन भी थर्मोडायनेमिक्स का था, है ना। देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। पूछा गया है, टू सिलेंडर्स ए एंड बी ऑफ इक्वल कैपेसिटी आर कनेक्टेड टू ईच अदर वाया स्टॉप कॉक। ए कंटेन्स एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, बी इज कंप्लीटली इवेकुएटेड। कहने का मतलब ऐसा है कि दो कंटेनर है अपने पास, ए और बी। सपोज ये है ए और ये है बी। गैस जो है वो इसके अंदर भरा हुआ है और ये जो है ये खाली है, इसके अंदर वैक्यूम है, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ा गया है, किसी पाइप से जोड़ देते हैं। यहाँ पर स्टॉप कॉक होगा, एक तरह से वाल्व जैसा कुछ। तो वाल्व ओपन करेंगे तो गैस एक से दूसरे में जा सकता है, ठीक है। तो पूछा गया है, द इंटायर सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड, द स्टॉप कॉक इज सडनली ओपेंड, द प्रोसेस इज। जब स्टॉप कॉक को ओपन कर दिया गया, तब जो है गैस एक कंटेनर में से दूसरे कंटेनर में जाएगा, है ना। जैसे ए में गैस है तो ए से बी में चले जाएगा, ठीक है। तो कौन कौन से क्वांटिटी है जो चेंज होंगे, कौन कौन से क्वांटिटी है जो कि चेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो पहला चीज तो यह है कि इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। वॉल्यूम पहले केवल इतना था, केवल इसी में गैस था, अब वो गैस इस वॉल्यूम में बी में भी आ गया है, यानी जो टोटल वॉल्यूम है अब पहले से डबल हो गया, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि प्रेशर डिक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है। अगर ये दोनों चेंज होगा तो ऑब्वियसली टेम्परेचर भी चेंज होगा, यानी कि अगर वी पी टी ये तीनों चेंज होते हैं तो क्या होना पड़ेगा। वॉल्यूम चेंज होगा तो आइसोकोरिक नहीं हो सकता, प्रेशर चेंज होगा तो आइसोबारिक नहीं हो सकता है, टेम्परेचर चेंज होगा तो आइसोथर्मल नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहां पर कहा गया है, द इंटायर सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड, यानी बाहर से हीट अंदर नहीं जा सकता और अंदर से हीट बाहर नहीं जा सकता, यानी हीट जो है वो अंदर बाहर नहीं हो सकता, हीट का एक्सचेंज नहीं हो सकता है। इसलिए जो प्रोसेस है वो एडियाबेटिक प्रोसेस माना जाना चाहिए, और इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3।